तो आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग हमारे होटल पहुंच गए थे। सो वी आर इन मसूरी, हम लोग आ चुके हैं मसूरी। और कल आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरी धुंध हो चुकी है और कुछ दिख नहीं रहा। तो अभी तो व्यू है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले सिटी दिख रही थी, नीचे है देहरादून सिटी, पूरी सिटी दिख रही थी अच्छे से, बढ़िया एकदम, ठीक है। और रात में तो बहुत ही प्यारी सिटी दिख रही थी। और होटल जो है, मैं आपको एक बार रूम टूर दे देता हूँ, इधर से देख लो, ये पूरा रूम है, ठीक है। ये बेड है, ये बेड है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक वर्किंग टेबल है, इसको मैंने वर्किंग टेबल ही बना रखा है। ये दो काउच बैठने के लिए, उधर सारा सामान वामान पड़ा है, एक मिरर, शो बॉय, ठीक है। ये टी शर्ट पड़ी मेरी, और ये कपड़े सूख रहे, जो गीले हो गए थे, जो उस दिन नहीं सूखे थे, तो अभी सूख रहे हैं। और ये वॉशरूम है, क्लीन एंड हाइजीनिक, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया होटल है। जिस प्राइस में हमें ये होटल मिला है, बहुत अच्छा होटल है। लगभग 7,500 रुपये हमने इसके दिए हैं 4 नाइट्स के, तो 1700-1800 के आसपास लगभग पड़ा है। और 1700-1800 में मसूरी में, मैं पहले भी आया हूँ मसूरी में, 1700-1800 रुपये में इतना बढ़िया रूम नहीं मिल सकता, ठीक है ना। और हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, कभी सीधी नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, नहीं होगी। टाइम बताऊं, 1 बज रही है। अरे डेली का रूटीन हो गया। कौन 1 बजे घूमने निकलता है कहीं भी जाके, कौन? हम, क्योंकि हम हैं ऐसे ही, हम कुछ भी कर ले, कितना भी जल्दी उठ जाएं, लेकिन हमारी आदत हो चुकी है यार, कि हमें लेट होना है। उठने को तो उठ जाएं, ये मौसम नहीं उठने देता। मौसम सच में इतना अच्छा आलसी बना देता है यहाँ पे, लेकिन चलो जल्दी तैयार हो गए, फटाफट निकलते हैं। आज 2 लोकेशन कवर करनी है। पहली है यहाँ से भट्टा वाटरफॉल्स, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है, वहां जाके आएंगे, वहां कुछ एक्टिविटीज है छोटी मोटी, वो करके आके यहाँ फिर जाएंगे, फिर यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे होटल पे हमारे, फिर यहाँ से हम 1 किलोमीटर पैदल जाएंगे मॉल रोड पे, मॉल रोड पे गनहिल पॉइंट है, वहां से रोप वे जाती ऊपर, तो ऊपर रोप वे जाएंगे और आपको दिखाएंगे व्यू, और आते वक्त मॉल रोड शूट करते जाएंगे। तो आज बहुत सारा फन होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ, चलो चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको पता है कि मैं ट्रैवल करता ही रहता हूँ, और ट्रैवलिंग में सबसे ज्यादा ध्यान मैं अपने बालों का रखता हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन और डर्ट, इन सब से बाल मेरे बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। इसलिए मैं पर्सनली अपने हेयर केयर रूटीन में यूज करता हूँ मामा अर्थ ऑनियन रिंच। अब मैं आपको एक एक करके सभी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर केयर रूटीन में यूज करता हूँ हेयर ऑयल, और मैं यूज करता हूँ मामा अर्थ ऑनियन हेयर ऑयल, जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसे मैं अच्छे से अपने बालों में लगा लेता हूँ और 2-3 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। और इसमें जो ये कोमनेक है, इसकी मदद से आप इसको इजिली अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इस हेयर ऑयल में प्रेजेंट है सनफ्लावर ऑयल, आमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल एंड आमला एक्सट्रैक्ट, इन सबसे आपके हेयर ग्रोथ इंक्रीज होती है। एंड इवन ये हेयर ऑयल आपके बालों को सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, ये हेयर ऑयल नॉन स्टिकी है एंड इट कम्स विद अ ग्रेट फ्रेग्रेंस। हेयर ऑयल के बाद अब मैं यूज करता हूँ ऑनियन शैम्पू फॉर हेयर फॉल कंट्रोल एंड हेयर ग्रोथ, एंड ये एक रिलॉन्च वर्जन है, और इसमें प्रेजेंट है ऑनियन, जो कि रिच है सल्फर में, एंड प्लांट केराटिन, जो कि आपके बालों को 8 times नेचुरल स्मूथनेस एंड शाइन देता है। एंड इवन इट गिव्स गुड क्लेंजिंग विदाउट ड्राइंग, एंड इसमें 22% मोर फोम है, विच इज फ्री फ्रॉम सल्फेट्स एंड टॉक्सिन, एंड इट गिव्स 4 times कंडीशनिंग इफेक्ट। बहुत सारे लोग शैम्पू करने के बाद कंडीशनर को स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यूज करता हूँ ऑनियन कंडीशनर, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट, जो कि आपके हेयर को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है। गाइस, मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, दे ऑल आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन सच एज सल्फेट, सिलिकन, पैराबीन्स, क्योंकि ये ना तो आपके स्किन और बालों के लिए अच्छे होते हैं, ना एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो आप भी ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके बाय कर सकते हैं मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप से। सो प्लीज डाउनलोड द ऐप टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑफर्स, एंड इवन आप ये सारे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, कहीं से भी खरीद सकते हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं travelsing2021, तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, विच इज वैलिड ऑन mamaearth.in एंड मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप पे। तो मामाअर्थ का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। एंड गाइस, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी अबाउट मामाअर्थ की, दे हैव टेकन अ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक द एग्जैक्ट जियो लोकेशन ऑफ द प्लांट विद द प्रोडक्ट, एंड बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज। तो फिर देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अपने प्रोडक्ट शॉप करो फ्रॉम मामाअर्थ। तो हम लोग घूमने निकले थे और बहुत बुरी चीज हो चुकी है, बहुत बुरा कांड हो चुका है, बहुत ही बुरा, मरते मरते बचे ही, देख लो इतना बुरा कांड हो चुका है। हुआ क्या है मैं बताता हूँ, बाइक जो है इसका फेल, नीचे वाला फेल, दोनों फेल हो गया एक साथ ही उतरते उतरते, और वहाँ से ढलान से हम पीछे से ढलान से उतर गया, वो तो इधर चढ़ाई थी जिस पर चढ़ा दी उतरती हुई गाड़ी, जिससे गाड़ी रुक गई, वरना गाड़ी रुक नहीं रही थी, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अब इसको सही कराते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ।
तो अभी बाल बाल बचे हैं, जिंदा हैं, बच गए, बहुत बड़ी बात है। वो चला रहा था और जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं ना वही चलाते तभी होते। चेन का लॉक कल करा हुआ जब वो चला रहा था, ब्रेक करा हुआ वही चला रहा था। एक्चुअली उसकी गलती नहीं, गलती उसकी नहीं है, गलती रॉयल इनफील्ड वालों की है। ठीक है, आने से पहले मैंने सर्विस कराई थी, मैंने उनको कहा कि सर ब्रेक पैड्स देख लो, चेंज कर दो। उन्होंने बोला नहीं सर चलेंगे, और आपको ब्रेक पैड्स दिखाता हूँ मैं, क्या हालत है ब्रेक पैड की। ये देखो पूरा घिस चुका है, भैया बता रहे हैं, अपने भैया सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी। भैया बताए कि ये पूरे ब्रेक पैड जा चुके हैं दोनों आगे पीछे के, इसलिए गाड़ी के साथ ही हुआ, ब्रेक फेल हो गए थे इस गाड़ी के। पैरों से गाड़ी, हाँ इसने पैरों से रोकी। ये देखो यहाँ से सोल घिस, सोल घिस गया इसका, इसने पैरों से रोकी, फिर हमको एक रैंप दिखा उस पर चढ़ा दी। तो आज हम वैली से नीचे, आज हमारा भट्टा फॉल्स निकल जाता है चारों तरफ से। नहीं वैली से नीचे जाते लेकिन गिरते बहुत जोर से, बहुत गंदी होती है, गिरते बहुत जोर से। नीचे तो नहीं गिरते लेकिन रोड पे गिरते और लगती बहुत अच्छी वाली लगती। तो भाई साहब सर्विस सेंटर वाले जो भी हो, रॉयल फील्ड वाले, देखना तो सर्विस करो तो सही से करो, किसी की जान भी जा सकती है तुम्हारे सर्विस के चक्कर में, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताई भैया ने कि आप जब भी वैली में गाड़ी चला रहे हो ना तो ये ध्यान रखना, ऐसे तो हमको था हम वैसे ही चला रहे थे लेकिन तब भी होता है कि हमेशा गाड़ी थर्ड या फोर्थ गियर में रखो, फर्स्ट सेकंड में मत चलाओ, चाहे कितनी भी, चाहे छोटी सी ढलान हो, थर्ड फोर्थ में रखो, प्लस दोनों ब्रेक साथ में रखो। ठीक है, दोनों ब्रेक साथ में रखोगे, थर्ड फोर्थ गियर में रखोगे ना तो एकदम से ढलान भी आएगी और ब्रेक भी फेल हो जाएंगे ना तो गाड़ी रुक जाएगी एक बार को, कि आप रोक लोगे पैर से। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी आप जैसे आ रहे हो मेरी तरह, आप भी आ रहे हो पागल खोपड़ी हो मेरी तरह, आप बाइक लेकर आ रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान रखना हो सकती है। बाकी मेरे को एक बार को लगा ब्रेक के वायर गए, लेकिन वायर वायर सही है, ब्रेक पैड्स जा चुके हैं पूरे इसके अच्छे तरीके से। हो गया जो हो गया, बच गए वही बहुत बड़ी बात है, अब इसको सही कराते हैं फिर आगे घूमने जाते हैं। अभी तो माथा ख़राब हो रखा है थोड़ा सा, सही होगा तो आगे जाते हैं। भट्टा फॉल्स और ये जगह पूरी एक्चुअली आपको दिखेगी नहीं थोड़ी सी धुंध के चक्कर में, वरना ये पूरा एक इन्होंने एडवेंचर पार्क जैसा बना रखा है और पीछे की तरफ फॉल्स है और यहाँ स्विमिंग पूल भी है, बोटिंग भी है। एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ, तो पहले थोड़ा सा नीचे उतरना है, नीचे उतरते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप रोपवे से भी आ सकते हो, ऊपर से रोपवे भी आ रही है प्लस पार्किंग भी है, 30 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस है। हमें एक भैया मिले, बोले भैया मेरे को ब्लॉग में लोग, कहाँ से भैया आप? हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से भैया, चंडीगढ़ वाले। यो 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 हनी सिंह, और आपका नाम? सर अभिषेक। अभिषेक किस नाम से आपका यूट्यूब? इंडियन ट्रैवल सिंह। इंडियन ट्रैवल सिंह, ठीक है भाई, बंदा क्या है, इसका चैनल सब्सक्राइब करो और हम भी करेंगे। थैंक यू सो मच भैया, एंजॉय। ओके भैया, पहुंच चुके भट्टा फॉल्स, और इतनी तेज है कि मेरी आवाज दबी होगी, मैं दिखाता हूँ क्योंकि हम चढ़ने का आ रहा है और हम चढ़ के आए हैं। थोड़ा दिखा पहले आप फॉल्स, देखो ये फॉल अपना, ये देखो पूरा नीचे तक जा रहा है, वाओ। इसे कहते हैं वाटरफॉल, नैनीताल वाला तो कुछ ही नहीं था इसके सामने, और इससे भी तगड़ा भी कैंपटी फॉल है, वहाँ जाएंगे बाद में। पूरा यहाँ से बहते हुए नीचे जा रहा है और हम लोग वहाँ कहीं से चढ़ चढ़ के ऐसे इधर से इधर से इधर से पूरा यूँ चढ़ के आए। अभी ऊपर भी और है, थोड़ी सी बारिश हो रही है तो देख रहे, पर बारिश बंद हो जाए ना तब ऊपर जाएंगे। तो ये जो वाटरफॉल के बगल में एक छोटा सा इन्होंने एडवेंचर पार्क या रिसोर्ट कह लो ऐसा बना रखा है, इसकी एंट्री टिकट 50 रुपये पर पर्सन, 100 रुपये की दोनों की लगी है। इसमें 5-6 चीज़ें हैं, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो 400-500 रुपये ले लेंगे और कोई इसका सेंस नहीं बनता है। क्या बंजी जंपिंग आप यहाँ पे करो 500 रुपये देखो, सेंस नहीं है, इससे बढ़िया कहीं की फेमस हो वहाँ की बंजी जंपिंग करो ना। तो नीचे एरिया पे आ गए जहाँ पे स्विमिंग पूल और बोटिंग दोनों है, इस साइड बोटिंग है और मेरे पीछे स्विमिंग पूल है। 50 रुपीज़ पर पर्सन बोटिंग है, 100 रुपीज़ पर पर्सन स्विमिंग पूल है, और जो रोपवे है उसका है रेंट 200 रुपीज़ ऊपर से नीचे, 200 रुपये में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मेरे पास बाइक है, 20 रुपये का पेट्रोल लगेगा, मैं ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर दोनों कर लूँगा। रोपवे की 125 रुपीज़ की टिकट है और ऊपर रोपवे जाएगी, अभी आएगी तब जाएंगे, 4 मिनट की राइड है, 125 रुपये ऊपर, और ऊपर है गनेल, ऊपर जाते हैं और फिर आपको गनेल दिखाते हैं, पहले रोपवे आ दो। राइड स्टार्ट हो चुकी है, जैसे पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं, बस दिख रहा है कि जा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। हेलो, वी आर एट द टॉप ऑफ गन हिल और ये पूरा ऐसा है कुछ, अभी तो धुंध हो रही है इससे ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, और ये रोपवे गई, अब सामने गन पॉइंट है, देखते हैं वहाँ पे क्या है, कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो दो चार चीज़ें देखेंगे, उसके बाद खाएंगे पियेंगे मज़े करेंगे और चल देंगे। तो ऊपर आओगे तो आप गन पॉइंट में जब आओगे ना
तो यहाँ पे गनी है, उसके अलावा ये मंदिर भी है, शनिदेव का मंदिर है एक ये, और बजरंगबली जी की भी मूर्ति है इसमें। तो आप आराम से आइए, दर्शन करिए और अपना खाइए पिए, गन चलानी गन चलाइए, गेम्स खेलने गेम्स खेलिए, फ़ोटोज़ खिंचानी फ़ोटोज़ खिंचाइए, और व्यू अगर क्लियर हो, किस्मत अच्छी हो तो व्यू के मजे लीजिए, वरना हमारी तरह यही बादल देखिए, क्योंकि हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ बादल पहुँच जाते हैं, क्या करें, किस्मत ही ख़राब है। हम लोग यही देख के निकले भट्टा फॉल से कि भाई धूप आ रही है, फटाफट चलते हैं वहाँ से, व्यू अच्छा आएगा। हो गया सत्यानाश, देखते हैं 10-15 मिनट आधे घंटे रुकते, अगर व्यू अच्छा होता दिखाएंगे आपको, नहीं तो फिर बैक टू नीचे और फिर आपको मॉल रोड घुमाते हुए घर। सो हम लोग अभी ऊपर आए हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट का नाम है टेलीस्कोप पॉइंट। यहाँ पे कैफे चाय मैगी ऑर्डर करिए, और यहाँ पे टेलीस्कोप लगते हैं, अभी हटा रखे क्योंकि व्यू क्लियर नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है क्लियर, हो रहा है, अभी हुआ था यार, फिर अब बादल आ गए। तो ये टेलीस्कोप पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है, और आप यहाँ से आराम से टेलीस्कोप लगा के आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, यानी जैसे मैं व्यू की तरफ कैमरा फ्लिप करता हूँ ना, तो भगवान कहते हैं ले तूने देख लेना, अब किसी को नहीं दिखाऊंगा, ले बादल आ गए, ऐसे बादल आ जाते हैं यहाँ पे। एक बार सब कुछ क्लियर हो जाए देखो, थोड़ी देर में ऐसा होता है कि 2 सेकंड के लिए क्लियर होता है फिर आ जाता है बादल, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा आने वाला है, क्योंकि मैं पहले आया हुआ हूँ तो मैंने देखा है यहाँ से व्यू। तो पहाड़ों वाली मैगी आ चुकी है और चाय भी आ रही है, मैगी चाय नाश्ता करेंगे और देखते हैं अगर इस टेलीस्कोप से थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा तब देखेंगे कुछ, नहीं तो फिर नीचे चलेंगे, एक दो गेम्स खेलेंगे अगर मन हुआ, नहीं तो फिर निकलेंगे, देखते हैं। बाकी चाय भी आ गई, कुल्हड़ चाय। तो देखो हमारी अच्छी किस्मत, धूप निकल गई है एंड द व्यू इज क्लियर नाउ। तो ये देखो, ये है हिमालय के टिप, अगर मैं दिखा पाऊँ, ये रहे, ये देखो हिमालय का टिप है, मैंने फ़ोन निकाल के जूम करके दिखाया है, हिमालय के पूरे टिप, और ये भी पूरे हिमालय का ही पहाड़ है पूरा, यहाँ से दिख रहा है, ये जूम कर रखा है मैंने, अगर आपको जूम कर हटा के दिखाऊँ ना, देखो कुछ नहीं दिख रहा, अब देखो हल्का सा अगर आप देख पाओ तो ये सब हिमालय के टिप है, और ये सब देखो, ये पूरा अपना मसूरी, फोन निकाला है मैंने ये सब दिखाने के लिए, क्योंकि कैमरे में आ तो रहा है लेकिन इतना क्लियर नहीं आ रहा, और इधर से यहाँ से आपको दिखाऊँ मैं अगर, थोड़ा सा वॉइस का इशू आएगा इसमें, आप मैनेज कर लेना क्योंकि पर दिखाना था इसलिए। और ये है देहरादून सिटी पूरी, शूटिंग गेम है, और भैया बताएंगे क्या है अपना प्राइस, बताओ एक बार आप। 5 डिब्बिया गिराने में 2000 रुपए के नाम, और ये वाली फोड़ने में 500 के नाम। चलो भाई देखते क्या करता है तू, चल तेरा पहला शॉट है ये, चल। ओ भाई एक गुब्बारा, एक गोली में एक गया भाई, 4 और फोड़ो पैसे वसूल हो जाएंगे। मिस हो गया यानी गया, चल कोई नहीं तू चांस तो खेल, हो गया 2 में से 1 लगा है। ओ बच गया, जस्ट बच रहा है। हाँ ये जो गैप है ना, हाँ इसके बीच में चिप लाई है और उसका सेंटर, चल 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 कम ऑन, 2 तो फोड़ कर, ओ बढ़िया फूट गए, 7 3 नहीं 2 तो फूटे हैं, अरे वो कंटिन्यू फोड़ने चाहिए ना, मिस नहीं होने चाहिए, हाँ अच्छा मिस नहीं होने चाहिए, बाकी 2 तो उन्हें एक साथ फोड़े, चल एक और मार, अरे मिस कर गया यार, 5 में 3 फुट है, 2 नहीं फोड़ पाए, 2 और फोड़ता तो भैया को 50 देते, नहीं नहीं बस मैंने बहुत खेला है, मन नहीं होता मेरा ऐसे, बढ़िया अपन नहीं खेलेंगे, अपन वहाँ गए थे रिसोर्ट, वहाँ पे भी खेला, देखो इसका शौक था, मैंने पूरा करा दिया, मुझे पता था 100% की नहीं मार पाएगा, क्योंकि देखो मैं बताऊँ, मैं बताता हूँ क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बलून्स में कुछ ऐसी चीज फिल करते हैं जिससे वो कभी कभी 5 में से 1 निशाना मिस हो गई होगा, समझ में आया, 1 निशाना मिस होगा, एक चीज बताओ यार, 5 बलून मारने हुआ, 100 बलून लटके हुए, कौन नहीं मार लेगा, इसकी सारी लगी है मैंने देखा बलून पे, सारी लगी लेकिन 2 बार तो फूटा ही नहीं, तो वो कुछ ना कुछ करके रखते हैं, बाकी चलो जो भी है 50 रुपए में 5 शॉट ठीक है, मजे कर लो, ठीक है हो गया, हमने घूम लिया, एक में जब पूरा मार्केट है 2 फुटे तो कह रहा है कि नहीं नहीं वो एक ही, हाँ तो ये पूरा मार्केट है, बहुत सारे गेम है, रिंग वाले गेम है, ये है 3D है, शॉपिंग करने के लिए जगह है, और आपके पास पैसे हैं बहुत सारे तो आओ शॉपिंग करो, और नहीं है ज़्यादा पैसे हमारी तरह, आप गरीब हो तो फिर चल दो अपने सीधे सीधे नीचे, समझे, तो चलो नीचे चलते हैं। और शाम को और प्यारा लग रहा है सच में, मसूरी बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, अभी आएगी फिर हम बैठेंगे फिर हम जाएंगे नीचे, और नीचे आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आते वक्त मैं दिखा नहीं पाया, इसलिए क्योंकि बादल हो रहे थे, अभी क्लियर है, सो एंजॉय द व्यू। करंटली वी आर ऑन द मॉल रोड, और मेरे पीछे देख सकते हो पूरी मॉल रोड है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, जेब में रखी कैश है तो अपनी फुल ऐश है, ठीक है ना, बहुत सारी मौज है बस, हाँ आपके जेब में कैश है तो यहाँ पे ऐश है, और अगर आपके पास दिमाग है
तो आपके घर के पास जो दुकान है वो बहुत अच्छी है, आप खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्या क्या आइसक्रीम खाएंगे? मैंने लिए ग्रीन एप्पल वनीला। तू भी सेम? सेम। मैं कुछ तो डिफरेंट ले तो क्या करूँ, बटर स्कॉच और ये बटर स्कॉच ग्रीन एप्पल लिए। हाँ, मैंने बटर स्कॉच और ग्रीन एप्पल लिया, तू लेगा वनीला चॉकलेट? वनीला और चॉकलेट, वनीला चॉकलेट कर दो इसको। वाओ, चीयर्स ब्रो। खत्म है मॉल रोड यहाँ पे, और यहाँ से हमारा होटल पड़ता है 500 मीटर्स अप्रॉक्स। पैदल चल के हम होटल पहुँच जाएंगे और होटल में जाकर डिनर करेंगे, क्योंकि हमारा डिनर होटल का जो है वो बाहर के रेट का अप्रॉक्स ही पड़ता है, तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।